जिसकी माँ गोबर के उपले थोप रही होती हैं। तभी खबर आती है कि यूपीएससी के परिणाम जारी हो गई हैं। तभी वह माँ अपनी लड़की को देखने जाती है। तब उसकी माँ उस लड़की को देख कर के बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अब वह लड़की यूपीएससी टॉपर बन जाती है। अब फोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। रिपोर्टर अपने कैमरे लेकर के और अपना माइक लेकर के उस लड़की के घर आ जाते हैं और मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस घर में खुशियां आ गई थी और सभी लोग बधाइयां दे देकर के जा रहे थे। अब क्यों वह लड़की एक आईएएस अधिकारी बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सत्यन अहमद सैफी, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग हैरानी में पड़ जाएंगे, आप लोगों के मुंह खड़े हो जाएंगे कि आप भी कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनु जी की, जो कि हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा से ही ली और फिर बाद की शिक्षा उन्होंने दिल्ली में हिंदू कॉलेज से अपनी बाकी की परीक्षा पूरी करी और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने वह अपने कहानी बताते हुए कहती हैं कि उनका जन्म 18 नवंबर 1986 में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तब लोग बधाइयों की जगह दिलासे लेकर के आते हैं। उनकी माँ को अपनी बच्चियों से प्रेम तो था और उस बीच जो ऊंचा सर खड़े थे तो वो अनु जी के पिताजी थे, जो अकेले ऊंचा सर करे खड़े थे। उन्हें अनु जी के पिताजी को बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों की परवाह थी। उनके पिताजी कहीं भी जाते तो अपनी उनकी माँ की इज्जत किया करते थे। वो कहीं जाया करते तो यही कहते कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। अनु जी ने कभी सिनेमा नहीं देखा था। एक दिन सोनीपत में एक सिनेमा लगता है, तब वह अपने परिवार के साथ सोनीपत में सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती हैं। तब वह चौथी क्लास में पढ़ रही थी। तब उन्होंने हम आपके हैं कौन यह मूवी देखी थी। फिर वह मूवी देखने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक हिंदी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने चली जाती हैं। उन्होंने हिंदू कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एमए नागपुर से उन्होंने एमबीए किया। फिर उसके बाद उनको पहली नौकरी मिलती है आईसीआई बैंक में उनको पहली नौकरी मिलती है। तब वह दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से मुंबई जाया करती थी। उनकी ससुराल दिल्ली में है और वह अपनी ससुराल में रहती थी। जब वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तब उनकी मौसी ने कहा कि बेटा तुम मेरे घर आ जाओ, और मामा ने कहा कि बेटी तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। तब वह अनु जी अपनी नौकरी छोड़कर के अपनी मौसी के घर चली जाती हैं और वह यूपीएससी की तैयारी करने लगती हैं। उनको मौसी एक गोद में लिए बच्चे की तरह दिन रात मेहनत करके पढ़ा रही थी। उनके पास कोई भी आता तो उनकी मौसी ऐसे हो जाती थी कि कोई खंभा खड़ा हो। उनके पास किसी को आने नहीं दिया करती थी। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी उनको के लिए जाना नहीं पड़ता था। उनकी मौसी उनको हर चीज लाकर के दे दिया करती थी। फिर वह यूपीएससी की तैयारी जब कर रही होती हैं तब वह अपना श्रेय इसका अपनी माँ और मौसी को देती हैं।
मौसी ने उनको को दिन रात मेहनत करके पढ़ाया और माँ ने उनके 1 साल 4 साल के बच्चे को के ध्यान से रखा। अब उनकी माँ जो कि 1 साल अपने 4 साल के बच्चे से दूर रही और वह उनकी माँ 32 साल की और औरतों के लिए मिसाल बन जाती हैं और वह खूब मेहनत करती हैं और UPSC टॉपर बन जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को भजन बहुत पसंद थे, उनको भजन गाने का समय नहीं मिलता था, इसीलिए वह रात की रोटियां बनाते वक्त भजन गाया करती थी। उनकी माँ रोज सुबह 4 बजे उठकर के दूध दूती और दूध बेचती और गोबर के उपले बनाया करती थी। उनकी छत गोबरों के उपलों से भर जाया करती थी। तब वह गोबरों के उपलों के बीच और भैंसों के बीच बैठ कर के पढ़ाई किया करती थी। जब वह दिल्ली में अपनी UPSC की तैयारी पूरी कर लेती हैं, जब वह अपनी UPSC की तैयारी करने का फैसला कर लेती हैं और वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर UPSC की तैयारी में लग जाती हैं, तब वह जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी तब वह 5 लाख रुपए कमा रही थी। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब वह 20 लाख रुपए सालाना कमा रही थी। अब वह नौकरी छोड़कर के UPSC की तैयारी में लग जाती हैं और वह अपने बच्चे से जिसका नाम रोहन दाहिया था उससे 1 साल दूर रहकर के जो कि उनकी माँ 32 साल की माँ और दूसरी औरतों के लिए मिसाल बनकर UPSC टॉपर बन जाती हैं और उनको UPSC में दूसरी रैंक मिलती है और वह UPSC टॉपर बनकर एक IAS अधिकारी बन जाती हैं। जो औरतें अपने बदलाव करना चाहती हैं और यह बदलाव का रास्ता पढ़ाई से होकर के जाता है और हमें पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है और लगन। अगर हम मेहनत और लगन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर पढ़ाई के लिए लगन और मेहनत ज़रूरी है, इसलिए हमें पढ़ाई के लिए मेहनत और लगन करनी ज़रूरी है। अगर मेहनत और लगन से UPSC के लिए तैयारी नहीं करती तो वह भी एक IAS अधिकारी नहीं बन पाती, इसलिए उन्होंने मेहनत और लगन करी और वो है आज एक IAS अधिकारी बन गई। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमें कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें। ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ ये कहानी मेरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।